अस्सलामुअलैकुम जी, ये काबतुल्लाह की कुंजी और इसके अंदर जो एक ख़ास चीज़ आप ये देखें कि एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, यानी कि सात हिस्सों में ये कंप्लीट चाबी आती है। तो सेवन का क्या ताल्लुक रहता है तारीखी हवाले से बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है, जिसको मैंने पहले भी और इसके जो बुनियाद है इस पर काबतुल्लाह की ये तारीखी कुंजी और इस वक्त ये पेरिस फ्रांस के एक म्यूज़ियम की मिल्कियत है। और मुझे भी यहाँ पे ज़्यारत हुई कुछ दिन पहले, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो की, ये दोबारा बना रहा हूँ। पढ़ते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। कुछ आयात गुंदा हैं उसको और ये इस कुंजी के बारे में जो फ्रेंच में मालूमात है, जिसको कुछ दिन पहले मैंने पढ़ने की कोशिश की तो कुछ ठीक नहीं पढ़ रहा था, अभी भी नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये समझ में आ रही है कि जो इजिप्ट के जो एक सुल्तान फजर बिन माकू, उनकी मिल्कियत में ये रही या उनके तहवील में या उनके पास ये रही 1399 से और 1412 तक। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाती है सल्तनत उस्मानिया में के पास और फिर ये 19वीं सदी ईस्वी में एंड में आकर ये फ्रांस की अजायब खाने की मलकियत बनती है। तो ये तारीखी कुंजी और इसके अंदर मुझे जो एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं हो पा रही, लेकिन मुझे ज़्यारत हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे इल्म में आई, पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई है कैसे ही, और अभी भी मैं ये बना रहा हूँ कि सबकी ज़्यारत हो सके। दुरूद पढ़ते हैं जी और आपको याद करते हैं। बहुत शुक्रिया।